नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र ने अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही दोस्तों आज 9वें दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है, मतलब कि आज सैटरडे है तो सैटरडे को जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म का कलेक्शन काफी ज्यादा बढ़ सकता है, तो क्या आज कितनी एडवांस बुकिंग इस फिल्म को मिल रही है और इस एडवांस बुकिंग के आधार पर फिल्म कितना कलेक्शन आज कर सकती है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र ने कल 8वें दिन कितना कलेक्शन किया। तो 8वें दिन का कलेक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि डे सेवन को इसका कलेक्शन आया था 9.02 करोड़ रुपीज, 9 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन आया था डे सेवन को। लेकिन कल फिल्म के कलेक्शन में करीब 14% की मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली और फिल्म का कलेक्शन रहा करीब 10.31 करोड़ रुपीज, मतलब 10.5 करोड़ रुपीज। शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन बढ़ा है 14% के करीब, फिल्म का कलेक्शन बढ़ा है और फिल्म का कलेक्शन रहा 10.31 करोड़ रुपीज। दोस्तों इसमें से भी हिंदी का जो कलेक्शन आया, हिंदी वर्जन का, वो 10 करोड़ रुपीज आया, जिसमें से ज्यादातर कलेक्शन आईमैक्स से आया। इसका आईमैक्स 3D वर्जन है, वहां से ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। जो नेशनल थिएटर चैन है वहां से कलेक्शन ज्यादा आ रहा है, 2D से कलेक्शन कम आ रहा है, फिल्म का इंटीरियर से कम आ रहा है। वहीं दोस्तों तेलुगु से इसका कलेक्शन करीब 22 लाख रुपए का कल आया है। वहीं अगर तमिल से बात करें तो तमिल वर्जन से करीब 9 लाख रुपए का कलेक्शन फिल्म का आया है। तो दोस्तों इस प्रकार ब्रह्मास्त्र फिल्म का शुरुआती 8 दिनों का जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो करीब 183 करोड़ रुपीज हो गया है, जिसे ठीक कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। और दोस्तों आज वीकेंड है, तो आज मतलब शुक्रवार, आज शनिवार है और तो शुक्रवार के मुकाबले कलेक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आपको बता दूं कि आज फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हुई है कल के मुकाबले। आपको बता दूं कि कल फिल्म को करीब 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई थी। वहीं दोस्तों आज फिल्म करीब 5.05 करोड़ रुपीज की ग्रोस एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट केवल हिंदी वर्जन से प्राप्त कर चुकी है। इसकी भी डिटेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। 3D से 3.61 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है, 2D से 92 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों आईमैक्स 3D से 52 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है, तेलुगु से 20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग है और तमिल से 7.9 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग आज के लिए है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर इसका टोटल कर दिया जाए तो ये टोटल होता है 5.35 करोड़ रुपीज, 5.35 करोड़ की एडवांस बुकिंग फिल्म को आज के लिए प्राप्त हुई है इंडिया ग्रोस विदाउट ब्लॉक से। तो इस एडवांस बुकिंग को काफी अच्छा कहा जा सकता है, कल के मुकाबले काफी अच्छा जंप है, 50% के करीब इसका जंप आप कह सकते हैं कि एडवांस बुकिंग में मतलब 45-50% के आसपास इसका जंप हुआ है, तो अच्छी बात है ये। आज फिल्म, मैंने पहले भी कहा था कि वीकेंड पे फिल्म वापसी कर सकती है, अच्छा कलेक्शन कर सकती है, तो आज फिल्म वापसी करने वाली है। आज और कल 2 दिन फिल्म का कलेक्शन काफी अच्छा रहने वाला है। तो आज इस एडवांस बुकिंग के आधार पर फिल्म कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। अभी शुरुआती अनुमान है मेरा, ये प्रिडिक्शन है, हो सकता है इससे भी ज्यादा जाए। अगर आफ्टरनून शोज और इवनिंग शोज में थिएटर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो फिल्म का कलेक्शन 17 करोड़ तक भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 15 करोड़ रुपए के आसपास फिल्म का कलेक्शन आज रह सकता है। तो दोस्तों आज का कलेक्शन कितना रहा इसके बारे में मैं आपको इवनिंग वाले वीडियो में जानकारी दूंगा, जो शाम को वीडियो बनाऊंगा उसमें। फिलहाल मैंने आपको आज के वीडियो में कल 8वें दिन कितना कलेक्शन किया ब्रह्मास्त्र ने और आज कैसी एडवांस बुकिंग मिली है। तो आज फिल्म को अच्छी एडवांस बुकिंग मिली है, तो आज फिल्म का कलेक्शन बढ़ेगा और कल भी बढ़ेगा। देखते हैं फिल्म अपने बजट के कितने नजदीक इस प्रकार से पहुंच पाती है और क्या ये फिल्म अभी भी हिट साबित हो सकती है, जबकि अभी तक सभी का अनुमान है कि फिल्म अपना बजट कवर नहीं कर पाएगी। तो क्या कोई मैजिकल फिगर ब्रह्मास्त्र आज और कल प्राप्त कर सकती है, क्योंकि आज और कल 2 ही दिन इसके पास है। जितना ज्यादा कलेक्शन ये कर सकते हो उतना इन 2 दिनों में कर सकते हो, उसके बाद में फिर से सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त ड्रॉप देखने को मिलने वाला है, ये बात मैं आपको बता दूं। तो 183 करोड़ अभी इंडिया नेट है, अगर वर्ल्ड वाइड इसको देख ले तो करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास है इसका नेट कलेक्शन। तो देखते हैं किस प्रकार से फिल्म का परफॉर्मेंस आज और कल रहता है। शाम को वीडियो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।